आज हम देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट यानी सो दैट वाले सेंटेंस को टू टू से कैसे रिप्लेस करेंगे। तो जिस भी सेंटेंस में यदि सो दैट आया हुआ है उसको टू टू से बदलना है तो कैसे बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम इज सो ऑनेस्ट दैट He can not be disliked। अब एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास में कि राम इज सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट बी डिसलाइक्ड। तो यहां पे सो और दैट दोनों दिखाई दे रहे हैं सेंटेंस में, इसके स्थान पे हमको टू और टू रखना है। तो उसको कैसा रखेंगे हम, उसके लिए कुछ रूल्स देखेंगे। रूल्स नंबर वन कि जहां पर भी हमको सो दिखाई देगा वहां हम टू रख देंगे। तो सो के स्थान पर टू आ जाएगा। दूसरा रूल ये कहता है कि दैट के स्थान पर टू रखना है लेकिन छोटा वाला टू रखना है, पहला रूल। दूसरा रूल, तीसरा रूल ये कहता है कि इसके बाद जो वर्ब है वो इंफिनिटिव रखना है, यानी टू के बाद में डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। उसके लिए आपको सब्जेक्ट और कैन नॉट या कुड नॉट इनको हटाना है। इसके बाद सब्जेक्ट, कैन नॉट और कुड नॉट को क्या करना है, हटाना है। और फोर्थ रूल्स के अनुसार सेंटेंस जो बचा है वो लिख देना है। शेष वाक्य पूर्ण करना, यानी चार काम करना है इस सेंटेंस को यदि हम टू टू से रिप्लेस करेंगे। तो उसको हम करेंगे कि किस प्रकार जो सेंटेंस है वो टू टू से बनेगा। तो इस इन्हीं नियम के आधार पर हम उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको सेंटेंस को हल करने के लिए जैसा जहां तक दिया है वहां तक चलना है। जैसे कि राम की जगह हम लिख देंगे राम, उसके बाद ईच की जगह लिख देंगे ईच, अब आ गया आपके पास सो। नियम नंबर एक यहां पे लग जाएगा, सो आ गया तो उसके जगह पे आप सो नहीं रखेंगे, टू। उसके बाद में रखना है जो सेंटेंस में दिया हुआ है ऑनेस्ट, और आगे आपके पास में दैट, तो दैट के स्थान पे छोटा वाला टू, तो यहां पे आ जाएगा टू। यहां पे नियम नंबर एक, यहां पे नियम नंबर दो। अब हमने बोला है कि जैसे ही टू रखते हैं उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाना चाहिए, यानी कौन कौन हटेगा। ही हट जाएगा, कैन हट जाएगा और नॉट हट जाएगा, आ जाएगा बी। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख देंगे बी और फिर डिसलाइक। सेंटेंस बन गया, राम इज टू ऑनेस्ट टू बी डिसलाइक। राम इतना ईमानदार है कि वो किसी के द्वारा नापसंद नहीं किया जाता है। तो यहां पर नियम नंबर एक लगा, सो के स्थान पर हमने बड़ा वाला टू रख दिया, दैट के स्थान पर छोटा वाला टू रख दिया, फिर उसके बाद में हमने हटा दिया सब्जेक्ट और कैन और नॉट, डायरेक्ट रख दिया बी डिसलाइक। तो इस प्रकार हमारे नियम क्लियर हुए। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस कुछ देखते हैं जिसके माध्यम से हम सो दैट जिस भी सेंटेंस में रहेगा उसमें टू टू कैसे रखेंगे। जैसे ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, वह इतना कमजोर था कि वह चल नहीं सका। इसको हमको टू टू से बनाना है, अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। तो सबसे पहले ही की जगह ही आ जाएगा, वॉच की जगह वॉज आ जाएगा। अब सो आ गया तो पहला रूल, सो के स्थान पे बड़ा वाला टू, फिर वीक डेट आया तो डेट के स्थान पे छोटा वाला टू। फिर आपको तीन चीज हटाना पड़ेगा, टू के बाद में डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो ही, कुड और नॉट हट जाएगा, आएगा क्या, वॉक। सेंटेंस बना कि ही वॉज टू वीक टू वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये सेकंड और ये होना चाहिए थर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम, राम इज सो poor that he can not
पे फी। राम इतना गरीब है कि वह फीस नहीं दे सकता, तो इसको हमको टू टू से बनाना है। किस प्रकार बनाएंगे? पहले तो राम की जगह रख देंगे राम, फिर उसके बाद में ईच की जगह ईच। जब भी सो आएगा तभी हमको यहाँ पर रखना है बड़ा वाला टू, फिर पुअर, अपडेट आ गया तो छोटा वाला टू। उसके बाद यहां से तीन चीज हटा दो आप, सब्जेक्ट और कैन नॉट, तो बच जाएगा पे और फी। सेंटेंस बना कि राम इज टू पुअर टू पे फी। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम यदि सेंटेंस में सो डेट आता है तो हम उसको टू टू से किस प्रकार बदलेंगे। पहला काम वही करना है, सो के स्थान पर टू बड़ा वाला, डेट के स्थान पर टू छोटा वाला। इसके बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। बाकी सेंटेंस, कुछ सेंटेंस आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं जिसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे उसको टू टू से बदल करके बताएंगे। जैसे राम was so busy that he could not play। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखेंगे हम, she is so busy that she can not cook। तीसरा सेंटेंस देखेंगे कि they were so busy that they could not प्ले विथ अस। अगला सेंटेंस देखेंगे, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट जंप। तो चार सेंटेंस है कि मदर वॉज सो बिजी राम वॉज सो बिजी दैट ही कुड नॉट प्ले। राम इतना व्यस्त था कि वो हमारे साथ नहीं खेल सका। सी इज सो बिजी दैट सी कैन नॉट कुक, वह इतनी व्यस्त है कि वह नहीं पका सकी खाना। दे वेयर सो बिजी दैट दे कुड नॉट प्ले विथ अस, वे इतने व्यस्त है कि वे हमारे साथ नहीं खेल सके। सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट जंप, और वह इतने कमजोर है कि वह कूद नहीं सकी। तो इन सेंटेंस को आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे टू टू से रिप्लेस करके बताएंगे। रूल्स वेरी इजी है कि सो के स्थान पर बड़ा वाला टू, डेट के स्थान पर छोटा वाला टू, उसके बाद में वर्ब जो है वो इन्फिनिटिव होना चाहिए, यानी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, बाकी का सेंटेंस।